हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्केचिंग के ऊपर है और आपको पता ही है कि आर्टिस्ट को स्केचिंग करने से कितनी खुशी मिलती है। एक टाइम था कि मुझे स्केचिंग करना पसंद नहीं था, बोरिंग लगता था, ये सच बात। और आज की डेट पे पसंद है और करता भी हूँ। और उनमें से हैं जिनको बोरिंग लगता है स्केचिंग, कैसे इम्प्रूव करें, किस तरह से करें। इन कुछ सालों में जो सीखा, जो समझा, जो एक्सपीरियंस किया, वो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आपको लगता कि स्केचिंग इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, अगर नहीं लगता तो फिर भी आप देख ही लो, क्या पता आपको स्केचिंग की इंपॉर्टेंस पता चल जाए। तो चलिए भी शुरू करते हैं, मतलब कि शुरू से शुरू करते हैं। स्केचिंग का सबसे पहला रूल है फ्रीली स्केचिंग करना, जो आपको अच्छा लगे। पेड़ पौधे हो, जानवर हो, लैंडस्केप हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तब कर सकते हो स्केचिंग। स्केचिंग करने से आपका हाथ का फ्लो बैठता है, ये तो आपको पता ही है। मतलब फिर ये सोचते हो गया कि स्केचिंग कैसे करें, तो ये एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पहला स्केचबुक है, ये देखो। अगर आप स्केचिंग स्टार्ट कर दो या करने वाले हो तो पहला स्केचबुक संभाल कर रखें, उससे जो आपकी यादें बनेंगी, आपकी आर्ट वर्क की जो जर्नी बनेगी, वो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। कुछ सालों में स्टिल लाइफ किया था, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा, पेप्सी वाली बोतल रखी, शुरू किया। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये मेरे स्केचिंग देख के लगा क्या बच्चों से स्केचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का नहीं है ना, 10 साल पुराना ही है, मतलब 2011 की बात है। तो उस टाइम सरस्वती पूजा आ रहा था, तो ये डिज़ाइन कर रहा था, तो कुछ ऐसे काम है। तो उस टाइम ऐसे वुमेन फिगर बनाता था, बस मेरे को मज़ा आता था, बस करता था, मैं जो दिखा उसको बनाता था, भले मेरे को ना आए या मैं उसको जो मेजरमेंट ना ले पाऊँ करते जाएँ। एक चीज़ आप नोटिस करना, जब 2-3 आर्टिस्ट का फॉलो करना, तो 2-3 आर्टिस्टों का उस काम में दिखता है। जैसे कि यह भाई यहाँ वुमेन फिगर बनाना सीख रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप इसे 2-3 आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो 2-3 आर्टिस्ट को जो स्टाइल होता है वो अडॉप्ट करते हो, तो वो आप सोचते हो कि चलो अप्लाई करते हैं, तो वो मिक्सचर सा होता है। मैं कोई बात नहीं, आप 2-3 आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, देन आप स्केचिंग कर रहे हैं, वो करते करते आपको अपना स्टाइल डेवलप होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अब जब रेगुलर रहोगे तो हो जाएगा। स्टिल लाइफ प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उस टाइम स्कूल में सबमिशन देना था स्टिल लाइफ का, तो घर पे बैठ के बर्तन रख के बनाता था। ये कोई स्पीकर था रखा हुआ था, उसको देख के बना रहा था। ये नलका था, ये एक कोई इंसान खड़ा था उसको ऐसा बना रहा था। ये साइकिल का हैंडल है, साइकिल का हैंडल है, ये बाल्टी है। तो ऐसे करते करते मेरे आगे बनने लगा। तो मैं वही स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे ना, कि जो चीज़ तुम्हें अच्छा लगा, जैसे आपका चप्पल, आपको लगता है कि आपका ये फेवरेट चप्पल है, तो बनाओ उसको बैठ के। पानी की बोतल, ऑयल का बोतल, घर पे जो भी ऑब्जेक्ट सामने दिखता था बैठ के बनाता था, बस जहाँ जगह मिली मैं शुरू हो जाता था। फिर जाके मैंने ऐसा स्टिल लाइफ बनाया, मैंने बैडमिंटन रखा हुआ था, मैं चलो लाइट पड़ रहा है यहाँ पर, शैडो भी दिख रहा है, तो बनाते हैं, तो बनाया कुछ इस तरह से। फिर कोई पेंटिंग बना रहा था मैं, तो ऐसे कलरफुल रखा मैं, देखते हैं ऐसा रखता हूँ। तो ये गणेश जी, ये तो नेट से कॉपी किया था मैंने, और सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। ये जो आपने देखा अभी स्कूल तक का देखा, स्कूल से लेके कॉलेज तक जो 2 साल का मेरा जो गैप था, वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा। क्योंकि जब स्कूल मेरा ख़त्म हुआ, जब मैं कॉलेज की तैयारी कर रहा था एंट्रेंस की, BFA एंट्रेंस की, तब स्केचिंग तो करने जाता था, तब एक अलग ही था कि मतलब 10 पेज किया, 20 पेज किया, मैंने दिखाता सामने कि मैंने इतना पेज किया, बट वहाँ से सीखता नहीं था, क्योंकि इसे मैं बस भरे जा रहा हूँ पेज और कुछ नहीं। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो ना करें, क्योंकि इससे सामने वाले कुछ नहीं आएगा, आपका जाएगा। एंट्रेंस के टाइम पर जब मैं स्केचिंग करने जाता था रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ जब फिगर बनाता था तो मैं शेप दे के बनाता था, वो अच्छा नहीं बनता था, क्योंकि वुमेन फिगर स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम देता है, क्योंकि बन नहीं पाता हमसे। तो इससे ये लगता है कि यार स्केचिंग हो नहीं रहा, बहुत बोरिंग चीज़ है, बहुत बेकार है, मतलब हो नहीं रहा। देखो, वुमेन फिगर अगर सुधारना है, सिंपल सा फंडामेंटल है, ज्योमेट्रिक शेप में लो, सर्कल स्क्वायर में लो, कुछ इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। इतना कुछ होने के बाद में फील करके नहीं बनाता था, क्योंकि मुझे एंट्रेंस क्रैक करना था, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है बहुत मेहनत कर रहे हो। एक टाइम आएगा कि कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा, तब आप स्केचिंग किसी शो ऑफ के लिए नहीं, अपने लिए करोगे। तो वो समझ में आया कॉलेज के बाद, कॉलेज तक तब करता था स्केचिंग, जब मैं उसके बाद करने लगा, क्योंकि करना ज़रूरी था, तो कोई समझाया नहीं मुझे किसी ने, ये खुद समझा कि ज़रूरी है। आप जितने बड़े कैनवस से काम करें, जितने वॉल आर्ट पर काम करें, आपका अगर जो बेसिक छूट जाए, मान लो कि आप
अर्निंग कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या अभी स्टूडेंट हो, अब वो स्केचिंग जो विल पावर छूट जाए ना तो वहाँ दिक्कत है। अब जो बताने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्केचिंग इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर लगता है कि और चीज़ें और समझ में आए, तो जो आपको दिख रहा है उसे ही बनाए, बस अपने माइंड से ऐड ना करें। जैसे कि अगर आप रोड पे ऐसी चीज़ें देख रहे हो, जो लैंडस्केप ऐसी चीज़ देखा आपने, तो उन चीज़ों को देख के बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो डिटेल करना, बस आपको समझना है कि जो चीज़ आँखों के सामने दिख रहा है वो मैं पेपर में उतार पा रहा हूँ कि नहीं। नहीं उतार पा रहा, दोबारा बनाए। इन्जॉयमेंट पता कब आता है? जब आपका धीरे धीरे ग्रो होता है, जब आप सच में लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब हर एक चीज़ को आप नोटिस करते हो। नोटिस कैसे करोगे? जैसे कि आपने 10 पेज स्केच किया, आपने मन लगा के 10 या 20 पेज स्केचिंग किया, जब भी आप कहीं भी बैठ के स्केचिंग कर रहे हैं, जब पहला स्केच बनाना शुरू किया, देन आप लास्ट जो स्केच कर, वो आपका फॉर्म जो होता है, फ्लो चलाने का, जो पेंसिल चलाने का जो फ्लो होता है ना, वो आपका एक अलग ही डायरेक्शन पर होता है। तो ये चीज़ खुद से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आपकी गलतियाँ आप कहाँ कर रहे हो बार बार, और कहाँ से आपका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर आप अपनी गलतियों को देखना शुरू करोगे ना, तो बहुत ऑटोमेटिकली जल्दी इंप्रूव करना शुरू करोगे। जब इंप्रूव करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मज़ा भी आएगा काम करने में। ये सिंपल सा फंड है, हर काम में ये अप्लाई होता है। स्केचिंग बोलो, ड्राइंग बोलो, पेंटिंग बोलो, या अदर मीडियम जो भी बोलो, जब खुद आप ऑब्जर्व होने लग जाओ ना अपने काम को, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए आपको काम इम्प्रूव करना। हाँ, अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे इम्प्रूव करें, जो आपके सीनियर हैं, जिनको आप मानते हो कि ये मेरे से अच्छे हैं, अच्छे गाइड कर सकते हैं, तो उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, वो बता देंगे कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करें। फिर भी आपका मान लो कि आपका मन नहीं लग रहा, तो एक ही चीज़ करें कि डेली एक सेट करें टाइम, डेली स्केचिंग करें। एक महीने बाद आप देखना, पहला दिन जो स्केचिंग किया था और एक मंथ वाला देखना, उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। जब इम्प्रूव करोगे तो खुशी होगी, फिर वही कहूँगा कि आपको फिर मज़ा भी आएगा और हैप्पीनेस भी दिखेगा। उससे जब स्केचिंग करते करते एक चीज़ एक और बेनिफिट मिलेगा आपका, उसके साइड में एक और तुम कुछ ना कुछ बनाते रहोगे। कोई भी जो आपके माइंड में आता है ना आइडिया, उसके स्केच करोगे, ऐसा कुछ आर्ट वर्क बनाया, इस तरह से करा है, जो भी आपके माइंड में आता है वो ऑन द स्पॉट ही आता है। अगर माइंड में कुछ भी आइडिया आता है वो उस पर किसी और दिन बात करूँगा। शॉर्ट में बताऊँ तो कहीं भी जाओ आप, जैसे कोई भी थॉट आया तो उसको बना कर, स्केचिंग करते दौरान आए तो बना लो, तो वो जो माइंड में जो स्टोर हुआ है, जो भी आपने देखा पूरे दिन लाइफ स्टडी कहीं पर भी देखा है ट्रैवलिंग करते हुए, पेपर भी बना लो, क्योंकि दो तीन दिन में तो भूल जाओगे वो चीज़। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही था, जो भी एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया। अभी ये वीडियो यहाँ एंड नहीं हुआ है, आने वाले दो वीडियो जो है, इंडोर आउटडोर जो स्केचिंग है, मतलब घर बैठे स्केचिंग करना और बाहर बैठ के स्केचिंग करना, इन दोनों पर वीडियो मैं लाने वाला हूँ। उस पर आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि घर बैठ के कैसे स्केचिंग कर सकते हो, बाहर बैठ के कैसे स्केचिंग कर सकते हो। तो आपके लिए स्केचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है वो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। स्केचिंग की जो पावर है, जो नहीं जानते वो भी जान सके आपकी कमेंट के थ्रू, इससे हम दोनों का भी कनेक्शन बना गया। कैसे? अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, उससे मैं भी कुछ ना कुछ सीखूंगा, फिर डिस्कशन होना चाहिए एक चीज़, और जो वीडियो को देख रहे वो भी समझेंगे कि हाँ स्केचिंग की और भी इंपॉर्टेंस है, तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। तो आने वाले टाइम पे और भी आपको वीडियो लेके आऊँगा। बस यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो मेरी देखते रहें। शुक्रिया।